आनंद सिंह दांगी जी। रोहतक में कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में कांग्रेस के कई दिग्गज नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यक्रम में पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा अटैकिंग मोड में दिखे। हुड्डा ने प्रदेश की मनोहर लाल सरकार पर जमकर हमला बोला। 18 अगस्त को होने वाली कांग्रेस की महापरिवर्तन रैली को सफल बनाने के लिए कार्यकर्ताओं से अपील की। सब साथी लाखों में आओ और भाई हमारा सहयोग दो। मैं दावे के साथ कह रहा हूं, आप मजबूत हो जाओ। 75 पार छोड़ो, 15 पार नहीं कर सकेंगे। 15 पार यदि बीजेपी नहीं कर सकेगी। वहीं दूसरी ओर झज्जर में कृषि मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ ने 18 अगस्त को कांग्रेस की होने वाली महापरिवर्तन रैली पर कटाक्ष किया। धनखड़ ने पूर्व सीएम हुड्डा को हृदय परिवर्तन करने की सलाह तक दे डाली। पार्टी परिवार में लड़ रही है और एक पार्टी पार्टी अंदर लड़ रही है। पहली जरूरत यह है कि परिवार की लड़ाई खत्म हो और दूसरे कांग्रेस की जरूरत है कि उनके दल की लड़ाई खत्म हो। हरियाणा विधानसभा चुनाव को देखते हुए सियासत तेज हो गई है, इसलिए कोई भी पार्टी एक दूसरे पर हमला बोलने का मौका नहीं छोड़ना चाहती। R9 TV के लिए रोहतक से जयदीप राठी और झज्जर से सुमित कुमार की रिपोर्ट।